अच्छे हो ना। अच्छा, और क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, आपने पढ़ा ना अ से अहम तक? चलो आज मैं आपको वापिस रिपीट करवाती हूँ। अ से अहम तक, अ से अहम तक के शब्दों को क्या कहते हैं अपन? स्वर। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। ये क्या होता है? स्वर होते। क्या बोलेंगे अ से अहम तक शब्दों को? स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। चलो अब अपन लिखेंगे, स्वर लिखेंगे पहले, और आपके साथ बोलोगे। बोलो, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से क्या होता है? ईख। ठीक है ना, आपको आता है ना? चलो, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन। अब क्या आएगा? री से ऋषि बाबा। ठीक है ना। ए से एडी, आई से एनक, ओ से ओखली। देखो, ओ से जो ओखली आपने लिखी है ना बच्चों, इसके पीछे एक डंडा होता है और ऊपर एक डंडा होता है, तो क्या बन गया ये? ओ से ओखली। और आउ से औरत के पीछे क्या होगा? एक डंडा होगा, लेकिन ऊपर कितने डंडे होंगे? दो डंडे। इसको क्या बोलेंगे? आउ से औरत। ये क्या है? हम से अंगूर। कुछ नहीं। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया ना। ये क्या बच्चों? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, आई से एनक, औ से ओखली, आउ से औरत, अम से अंगूर, अवमीस कुछ नहीं। ये क्या है बच्चों? अ से अहम तक क्या है? ये स्वर। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्वर। इसके अपन क्या बनाएंगे फिर बाद में? मात्रा बनाएंगे। ओके ना बच्चों? चलो एक बार वापिस बोलो। अ से अनार, आ से आम, छोटी से मली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, एड़ी जानते हो ना, जिसे अपन चलते हैं उसके पीछे वाला भाग पांव के, आई से ऐनक, ऐनक कहाँ लगाते हो आप? आंखों पे लगाते हो ना, चश्मा, जिसको चश्मा भी बोलते हैं। ओ से ओखली, औ से औरत, हम से अंगूर, अमीस कुछ नहीं। चलो, अ से हम तक अपन ने स्वर पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओगे, ए से एड़ी कहाँ लिखी हुई है? बताओ बताओ जल्दी। चलो, ए से एड़ी के नीचे अंडरलाइन करो। अच्छा, ए से एड़ी ये ना। चलो, ये क्या है? ए से एड़ी आपको पहचान में आ रही है ना? ए से एड़ी, ये क्या है? ए से एड़ी। आ से आम कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। और अरे, ये रहा आ से आम, ये आ से अनार, ये आ से आम। आ से आम क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया? एक डंडा आ गया। अगर आप ऐसे लिखोगे, ये आ से अनार होगा, ये क्या है? आ से आम। अब बता, औ से औरत। देखो, ये रहा औ से औरत। औ से औरत के ऊपर कितनी मात्रा है? दो, दो डंडे। कितने डंडे? दो। अगर आप ऐसा लिखोगे तो औ से उखली हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मेरे को तो राइट है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये क्या है? औ से औरत। अब देखो, ये क्या है? ये तो मैं भूल ही गई, आप बताओ। हाँ, बड़ा उसे ऊन, छोटा उसे उल्लू होता है, बड़ा उसे क्या होगा? ऊन। ऊन से अपन क्या बनाते हैं? स्वेटर। तुम सभी भी सर्दी का मौसम में स्वेटर पहनते हो ना बच्चों? वो वाला स्वेटर इस ऊन से बनता है, जो अपने को किससे मिलती है? भेड़ से। किससे मिलती है? भेड़ से। अब देखो, छोटी से इमली। सभी बच्चों ने इमली खाई ना? ये क्या है? छोटी से इमली। इमली खट्टी होती है, मीठी होती है?
बहने खट्टी, खट्टी होती है मीठी होती है, मीठी होती है खट्टी, खट्टी। चलो अब छोटी से इमली, अब देखो अंग से अंगूर, अभी अंगूर आ रहे ना सभी बच्चे, अंगूर खाना भी ठीक है ना, ये क्या है अंग से अंगूर। अपने अपने स्वर एकदम कंप्लीट हो गए ठीक है ना बच्चों। ओके अब अपन कल व्यंजन पढ़ेंगे ठीक है। अब स्वर किसे कहते हो, व्यंजन किसे कहते हैं, वो कल आपको कल वाले वीडियो में पता चल जाएगा। बाय बच्चों।